सैंपल लिए गए हैं संदिग्ध व्यक्तियों के, उनमें 71 लोगों की रिपोर्ट आ गई है, वो सारी की सारी नेगेटिव है, यानी जिले में अभी तक भी कोई पॉजिटिव केस नहीं है। ये हम सब लोगों के लिए अच्छी बात है। जहाँ तक क्वारंटाइन में रखने का प्रश्न है, अब तक 18,406 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है। मतलब पिछली प्रेस वार्ता और अबाड़ी में करीब 2,000 का अंतर आ गया है। हमने जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जितने भी खांसी जुकाम के लोग हैं, उन्हें जो सर्वे कराया है, उसमें उन सब लोगों को मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद में होम क्वारंटाइन में कंपल्सरीली 14 दिन उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी। हमने बहुत सारी सख्ती भी करी है, बहुत सारे वाहन भी जब्त किए हैं, एसपी साहब आपको उसमें डिटेल से बताएंगे। ये कंट्रोल रूम के नंबर है, मैं आपको सर्कुलेट कर देता हूँ ताकि आप इसकी फोटो खींच लें। एरिया वाइज हमने जो है उसमें नंबर दिए हैं ताकि जिसको भी जहाँ ज़रूरत हो वो उसको फ़ोन कर दे तो उसको घर पे वो मिल जाएगी। मैंने सब्जी विक्रेताओं से बात करी है, वो भी तैयार हैं कि अपनी साइकिल पे, अपने ठेले पे, अपने सिर पे घर घर सब्जी का विक्रय करेंगे ताकि लोगों को उसके लिए भी नहीं जाना पड़े। किराना और ग्रॉसरी के लिए आपको पहले से ही पता कि हमने 2 मोबाइल वैन चला रखी है, लोगों का रेस्पॉन्स पहले ठीक था, अब कम हो गया है। मैं लोगों से अपील करूँगा कि आप अपने ज़रूरी सामान की खरीद इस मोबाइल वैन से ही करें ताकि आपको घर से नहीं निकलना पड़े। इस जिले के